हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल फिलोसफी सिंप्लीफाइड। और आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे वो रहेगा इंडियन एपिस्टेमोलॉजी। और इंडियन एपिस्टेमोलॉजी में जो पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है सोर्स ऑफ नॉलेज। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा जब हमने न्याय को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने डिटेल में देखा था प्रमा क्या है और अप्रमा क्या होता है। क्लियर। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं इंडियन फिलोसफी में तो ज्ञान दो प्रकार का होता है ना। नॉलेज ज्ञान ज्ञान ही होता है, बट जब आप राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रमा और अप्रमा। प्रमा स्टैंड फॉर वैलिड नॉलेज एंड अप्रमा स्टैंड फॉर इनवैलिड नॉलेज। तो जब आप प्रमा की बात करते हैं तो वहां प्रमाण का कंसेप्ट भी आता है। तो प्रमाण बेसिकली क्या है, मीन्स ऑफ प्रमा है ना। अगर प्रमाण नहीं होंगे तो प्रमा कभी राइज नहीं होगा। तो प्रमाण क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, इट्स अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। तो जब न्याय को हमने डिस्कस किया था तो वहां पे हमने जो फोर मीन्स हैं, फोर प्रमाण जो हैं, फोर सोर्स ऑफ नॉलेज जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जिनमें हमने डिस्कस किया था परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। बट अगर इंडियन फिलोसफी की हम होली बात करें तो टोटल सिक्स सोर्स ऑफ नॉलेज है जिन्हें एक्सेप्ट किया गया। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा, जैसे चार्वाक जो है वो सिर्फ परसेप्शन को मानते हैं और वो इन्फ्रेंस और टेस्टिमनी को डिनाई करते हैं। क्लियर। परसेप्शन को वो सिर्फ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं और उनका जो मेन अटैक रहा है वो रहा है इन्फ्रेंस के ऊपर और टेस्टिमनी के ऊपर। इसको उन्होंने रिफ्यूट करने की कोशिश की है, बाकी को उन्होंने टच भी नहीं किया है ज्यादातर डीपली। तो सेकंड, अगर हम बुद्धिज्म और वैशेषिकों को देखें तो ये परसेप्शन और इन्फ्रेंस को राइट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। क्लियर। जैसे बुद्धिस्ट हैं वो अथॉरिटी जो है उसको डिनाई करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो अगर हम जैनिज्म की बात करें, सांख्य योगा की बात करें, विशिष्ट अद्वैत की बात करें, द्वैत की बात करें, तो ये तीन सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमनी। क्लियर। तो अगर हम बात करें न्याय स्कूल की तो ये चार सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं जिनमें रहता है परसेप्शन, इन्फ्रेंस, टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन। तो जब न्याय की एपिस्टेमोलॉजी हमने डिस्कस की थी, ये चारों सोर्स ऑफ नॉलेज हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उसको आप देख सकते हैं वहां पे। तो फिफ्थ नंबर पे है प्रभाकरा, ये मीमांसा स्कूल के फिलोसोफर हैं, ये फाइव सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे जिनमें आता है परसेप्शन, इन्फ्रेंस, टेस्टिमनी, कंपैरिजन एंड पोस्टुलेशंस। क्लियर। जिसे हम कहते हैं अर्थापति। और लास्ट वन है अद्वित एंड कुमारिला। क्लियर। जैसे हमने विशिष्ट अद्वित देखा, द्वित देखा, ये वेदांत के स्कूल हैं सारे, उसी तरह से अद्वित भी किसका स्कूल है, वेदांत का स्कूल है, वेदांतिक फिलोसफी है। तो अद्वित वेदांत मतलब शंकराचार्य और जो कुमारिला थे मीमांसा स्कूल के फिलोसोफर, ये सिक्स सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं जिनमें रहता है परसेप्शन, इन्फ्रेंस, टेस्टिमनी, कंपैरिजन, पोस्टुलेशंस एंड नॉन एप्रीहेंशंस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है न्याय के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज जो हम सोर्स ऑफ नॉलेज कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ चार ही सोर्स ऑफ नॉलेज डिस्कस किए थे, तो आज हमारी कोशिश है कि हम जो सिक्स के सिक्स जो प्रमाण हैं सोर्स ऑफ नॉलेज हैं उनको डिस्कस करें। और वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज मीमांसा स्कूल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मीमांसा सिक्स के सिक्स सोर्स ऑफ नॉलेज को मानता है। तो वन बाय वन हम सबको देखेंगे और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सा स्कूल मानता है और कौन सा वो डिनाई करते हैं, अगर वो डिनाई करते हैं तो क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मीमांसा से। सो जो मीमांसा स्कूल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। क्लियर। तो जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि जो न्याय और विशेषिका है ये अलाइड सिस्टम है, सांख्य और योग भी अलाइड सिस्टम है, उसी तरह से जो मीमांसा और वेदांत है ये भी अलाइड सिस्टम्स हैं। क्लियर। अब जैसे मतलब जो वैदिक फिलॉसफी है, जब आप वेदास की बात करते हैं तो जो वेदास के अर्ली पार्ट्स हैं जैसे समित्याज और ब्राह्मणास, तो मीमांसा पर्टिकुलरली उनसे डील करता है, और जो वेदांत है वो उपनिषद जो लास्ट पार्ट है वेदासा उससे डील करता है। क्लियर। तो मीमांसा की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, इन्हें कहा जाता है कर्मकांड और वेदांत को कहा जाता है ज्ञानकांड। जैसे कि हमने कहा कर्मकांड, तो इनका जो मेन फोकस है वो है कर्मों पे, एक्शंस पे, मतलब भक्ति की तरफ इनका ज्यादा ध्यान नहीं है, गॉड को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे यहाँ पे। वो क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये एक्शंस को कर्मों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। और ये क्या मानते थे जो मीमांसा स्कूल के फिलोसफर्स हैं, ये मानते थे कि जो हमारे एक्शंस हैं उनके अंदर इतनी पावर होती है कि आप डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी तरह से भगवान की जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ती है। इसलिए जो मीमांसा है वहां पे पॉलीथिज्म तो है, मल्टीपल गॉड्स हैं छोटे छोटे, बट जो क्रिएटर सस्टेनर डिस्ट्रॉयर का कंसेप्ट आता ना थीज्म में, जहां एक सिंगल गॉड को मानते हैं जो गॉड मतलब मेन सोर्स है क्रिएशन का, डिस्ट्रक्शन का,
प्रिजर्वर, जिस तरह से हम हिंदुइज्म में कंसेप्ट यूज करते हैं कि गॉड क्रिएटर सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, तो उस तरह का भगवान ये नहीं मानते हैं, क्लियर। और ये मेन इनका जो फोकस है वो एक्शंस पे, रिचुअल्स पे, कर्मांस पे, सेक्रीफाइसेस पे। तो इनके अकॉर्डिंग कर्म कांड है ये, तो ये ज्यादा यही इसी पे फोकस करेंगे। मतलब जैसे अगर हम कंसेप्टराइज हो यहाँ पे बात करें अगर हम कि यहाँ पे मोक्ष कैसे मिलेगी, तो मोक्ष का सोर्स क्या रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, भगवान नहीं रहेगा, इंस्टेड वो क्या होगा, ऐसे सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स जो वैदिक फिलोसफी में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, अगर उनको वैसे ही फॉलो किया जाए, वैसे ही उन पे एक्शन परफॉर्म किए जाएं, यज्ञ किए जाएं, उस तरह से सेक्रीफाइसेस रिचुअल्स किए जाएं, तो वो आप डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से ये बात करते हैं, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारी फिलोसफीज की डिस्कस करेंगे, बट जो आज हमारा फोकस है वो रहेगा सिर्फ सोर्स ऑफ नॉलेज पे, वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज परसेप्शन। तो परसेप्शन हम ऑलरेडी न्याया स्कूल में डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो न्याया का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और ऑलमोस्ट ऑल स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी एक्सेप्टेड द न्याया इंटरप्रिटेशंस, है ना, जो न्याया ने बात की है ना, परसेप्शन की, इन्फ्रेंस की, कंपैरिजन की, टेस्टिमनी की, बेसिकली सारे स्कूल वैसे ही कुछ मानते हैं। तो जैसे मतलब परसेप्शन में जर्नी क्या होता है, जैसे न्याया बात करते हैं कि परसेप्शन सिर्फ आइज ओपन कर ली तो चीज़ें दिखना शुरू नहीं हो जाती हैं, वहाँ पे चारों चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली कनेक्टेड चाहिए। जैसे वो बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंसेस के कंटेक्ट में आएगा, सेंसेस माइंड के कंटेक्ट में आएंगी, माइंड सोल के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो जब ये चारों चीज़ें एक साथ कनेक्ट होंगी तब जाके परसेप्शन होती है। तो जिस तरह से हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं ये फाइव सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी से जो परसेप्चुअल नॉलेज है वो आता है, इसलिए ये सारा नॉलेज डायरेक्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं है। तो मतलब इसको परसेप्शन को डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज भी माना जाता है, जैसे न्याया मानता था उसी तरह से मीमांसा भी मानता। तो मतलब ऑलमोस्ट जो न्याया की इंटरप्रिटेशन है वही एक्सेप्टेड है इसको भी। जैसे मैं टेबल को देख पा रहा हूँ, चेयर को देख पा रहा हूँ, फोन को देख पा रहा हूँ, तो ये सारा का सारा क्या है, परसेप्चुअल नॉलेज। वो चार्वाक सिर्फ परसेप्शन को सोर्स ऑफ नॉलेज मानता था। चार्वाक ने क्या किया था, इन्फ्रेंस को भी डिनाई कर दिया था और टेस्टिमनी को भी डिनाई कर दिया था, और सिर्फ परसेप्शन को सोर्स ऑफ नॉलेज माना है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा अनुमान, जिसे हम कहते हैं इन्फ्रेंस। सो जो इन्फ्रेंस को लेके जो मीमांसा के व्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सिमिलर हैं न्याया की इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंग। तो इन्फ्रेंस में बेसिकली होता क्या है कि आप उस चीज़ का भी नॉलेज गेन कर सकते हैं जो चीज़ आपके सामने नहीं है, है ना। बट इसमें होता क्या है कि आप उसके तक पहुँचते कैसे हैं, थ्रू परसेप्शंस, है ना, इसलिए इसको मीडिएट नॉलेज बोला जाता है। मतलब आप अननोन की बात कर रहे हैं बट अननाउन का जो नॉलेज है वो आया किसके थ्रू, नाउन के थ्रू, है ना। जैसे आपको स्मोक दिख रही है वो नाउन है, बट अब फायर नहीं दिख रही है, अब इन्फ्रेंस के थ्रू आप किसका नॉलेज गेन करेंगे, फायर का। जैसे आर्ग्यूमेंट है, जैसे वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर, है ना, देर इज स्मोक ऑन द माउंटेन देर फोर देर इज फायर ऑन द माउंटेन। तो फायर दिख नहीं रही है, दिख क्या रही है, स्मोक। तो स्मोक जो है वो नाउन है, बट जिसका नॉलेज आपको इन्फ्रेंस के थ्रू आ रहा है वो क्या है, अननाउन है, इट इज नॉट परसेप्टेबल्स। तो इसलिए इन्फ्रेंस को मीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। जो बुद्धिस्ट हैं और पर्टिकुलरली जो विशेष का स्कूल है, ये परसेप्शन और इन्फ्रेंस दोनों को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है। तो मतलब बुद्धिस्ट भी दो ही सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं और विशेषिका भी दो ही मानता है। बट बुद्धिस्ट ने क्या किया था, जो टेस्ट मनी थी उसको रिड्यूस कर दिया था, उसको मानते ही नहीं है, वो डिनाई कर देते हैं, क्योंकि वो आस्तिक स्कूल वाले हैं, वो वेदास को मानेंगे नहीं। टेस्ट मनी का सिंपल सा मतलब इंडियन फिलोसफी में वेदास रहता है, तो वो वैदिक फिलॉसफी को मानते नहीं हैं क्योंकि वो नास्तिक हैं, तो वो उसको डिनाई कर देते हैं। और बुद्धिस्ट जो हैं वो उपमान को भी डिनाई कर देते हैं। बुद्धिस्ट ने क्या किया था, उपमान को रिड्यूस कर दिया था परसेप्शन में, क्लियर। तो थर्ड वन इज शब्द ज्ञान, है ना, टेस्टिमनी जिसे कहते हैं हम। सो इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। जैनिज्म की बात करें, सांख्या की बात करें, योगा की बात करें, विशिष्ट अद्वैत की बात करें, द्वैत की बात करें, ये सब के सब शब्द को भी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। बुद्धिस्ट की बात करें, जैन की बात करें, जैन अथॉरिटी को मानते हैं सारी, बट उनकी जो अथॉरिटी है वो वैदिक अथॉरिटी नहीं है, रादर वो जो उनके मतलब प्रीचर्स होते थे, हम जिन कहते हैं, कंकरर कहते हैं, तो वो उनकी अथॉरिटीज को मानते थे। बट अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, चार्वाक की बात करें, तो ये वैदिक अथॉरिटीज को नहीं मानते, तो ये सिंपली टेस्टिमनी को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज भी नहीं मानते हैं। तो टेस्टमनी में बेसिकली मीमांसा काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं इसको, क्योंकि मीमांसा जो रिलाई करता है टोटली, वो मीमांसा की जो फिलॉसफी है वो वेदास पे रिलाई करती है। अब जितने भी रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस मंत्रास हैं,
तो उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो तभी पॉसिबल है कि वो डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, वेदास में। तो इसलिए ये वेदास को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। तो बेसिकली जो शब्द है, जो टेस्ट मनी है, वो सोर्स ऑफ नॉलेज का काम तभी करेगा जब वो रिलायबल होगा। अगर उसमें रिलायबिलिटी नहीं है तो उसको सोर्स ऑफ नॉलेज कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसे प्रमाण कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप टेस्ट मनी की बात करते हैं तो यहाँ बेसिकली दो टाइप निकल के सामने आती हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, पर्सनल पुरुषिया और इम्पर्सनल अपुरुषिया, मतलब पर्सन की अथॉरिटी और नॉन पर्सन की अथॉरिटी। जैसे वेदास जो है वो नॉन पर्सन में आएगा, अपुरुष में आएगा, इम्पर्सनल में, और यहाँ पे जो पर्सनल रहेगा वो पुरुष पर्सन की अथॉरिटी जो है। तो सेम जैसे न्याय का व्यू रहा है कि जो पर्सन की अथॉरिटी है उसको इट इज़ लायबल टू चैलेंज, है ना, उस पर डाउट किया जा सकता है, बट जो वैदिक अथॉरिटी है उस पर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो वैदिक वर्ड्स हैं, न्याय के अकॉर्डिंग फिर भी जो वेदास हैं वो क्रिएशन रहती है। जैसे हम मानते हैं कि वेदास आर द बर्ड ऑफ गॉड्स, बट मानसा गॉड को मानता नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंग जो वेदास हैं वो एटर्नल है, इट्स बियॉन्ड क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, वेदा का ओरिजन नहीं हुआ है, द एटर्नल वर्ड्स, सो दैट इज वाई दे आर रिलायबल्स। हमें उन पर कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो चीज क्रिएटेड होगी इट इज लायबल टू डिस्ट्रक्शन, और वेदा अनक्रिएटेड वर्ड है, एटर्नल वर्ड्स हैं। मीन्स द वेदास आर ऑथरलेस, है ना, वेदास को कोई ऑथर नहीं, न्याय मानता है ऑथर है, बट मीमांसा स्कूल की अगर हम बात करें तो ये मानते हैं कि जो वेदास हैं ये ऑथरलेस हैं। देयरफॉर द वर्ड पुट इन द वेदास आर सेल्फ डिटरमाइंड एंड देयरफॉर फ्री फ्रॉम एरर, इसलिए उनमें कोई डाउट की एरर की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हम थोड़ा सा देखें, पीछे चलें फिर से इन्फ्रेंस पे, तो बेसिक जो डिफरेंस न्याय को लेके और मीमांसा को लेके, इनमें जो आपस में डिफरेंस है इन्फ्रेंस को लेके, वो ये था कि जैसे न्याय में इन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं, वहाँ हम ये बताते हैं कि वहाँ फाइव स्टेप्स होते हैं, है ना, प्रतिजना हेतु उदाहरण उपन्यास निगमान। तो न्याय बेसिकली फाइव स्टेप मानता है, और अगर हम मीमांसा की बात करें इन्फ्रेंस के बारे में, वो सिर्फ थ्री स्टेप्स मानते हैं, जान तो पहले अर्ली वाले या लास्ट वाले, क्लियर। तो चलिए हम फोर्थ सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं उपमान। तो जो नॉलेज प्रोड्यूस होता है वो होता है उपमति, कंपैरेटिव नॉलेज, वो नॉलेज होता है जो कंपैरिजन करके आता है। जैसे अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय क्या बताता था कि जो कंपैरिजन किसका होता है, बर्ड्स और ऑब्जेक्ट का, है ना, कंपैरिजन बिटवीन ए बर्ड एंड ऑब्जेक्ट डिनोटेड। वो बताते हैं एग्जाम्पल, जो उनकी फेमस एग्जाम्पल है कि जैसे आप एक फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाते हैं और अब फॉरेस्टर्स आपको वाइल्ड को की एक्सप्लेनेशन देता है कि इस तरह से उसके फीचर्स होते हैं, और आप जाते हैं और आपका एनकाउंटर एक वाइल्ड एनिमल से होता है, तो आप क्या करते हैं, जो फॉरेस्टर के बर्ड्स थे उसको और जो ऑब्जेक्ट आपके सामने खड़ा है अभी उसमें मतलब कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। अगर बर्ड्स और ऑब्जेक्ट के बीच रिसेम्बलेंस आ जाती है तो आपको वो पता चल जाएगा वो वाइल्ड का हुआ, अदरवाइज नहीं। बट मीमांसा का व्यू पॉइंट डिफर है, मीमांसा जो बता रहा है वो जो कंपैरिजन है वो बर्ड्स और ऑब्जेक्ट के बीच ना होकर क्या है, रिमेम्बर्ड ऑब्जेक्ट एंड परसीव्ड ऑब्जेक्ट। कंपैरिजन हमेशा किस चीज का होता है, अपमान किसका होता है, सिर्फ रिमेम्बर्ड ऑब्जेक्ट और परसीव्ड ऑब्जेक्ट। जैसे आपने काऊ देखी हुई है ना, और जैसे आप जंगली गाय देखेंगे ना, उसमें उसके थोड़े से फीचर्स ही अलग होंगे, ऑलमोस्ट उसके फीचर सेम होंगे। तो जैसे आप वाइल्ड काऊ देखेंगे तो आप क्या होगा, अपनी जो ऑर्डिनरी काऊ है उसकी याद आएगी आपको, तो उसको रिमेम्बर करेंगे आप, तो उन दोनों के बीच क्या करेंगे, कंपैरिजन, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा ये क्या है, क्या है ये, दैट इज कंपैरेटिव नॉलेज। सो मेन पॉइंट क्या दिखा यहाँ पे कि न्याय के अकॉर्डिंग जो कंपैरिजन है वो होता है बर्ड्स और थिंग्स के बीच, बट मीमांसा के अकॉर्डिंग जो कंपैरिजन है वो होता है रिमेम्बर्ड ऑब्जेक्ट और परसीव्ड ऑब्जेक्ट के बीच, एक वो चीज जो आपके सामने अभी खड़ी है और एक वो जो आप देख रहे हो, जो याद कर रहे हो, जब उन दोनों के बीच रिसेम्बलेंस अगर हो तो कंपैरेटिव नॉलेज प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं। तो मतलब कंपैरिजन तभी फंक्शन करता है जब आपको जो आपका नॉलेज है प्रीवियस वो हो और एक चीज आपके सामने खड़ी है, वहीं पे कंपैरिजन ऑथेंटिकली हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। न्याय में क्या था, बर्ड्स और थिंग्स के बीच कंपैरिजन होता है, और यहाँ पे क्या है, रिमेम्बर्ड ऑब्जेक्ट एंड परसीव्ड ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट जो है हमारा रहेगा अर्थापति, जिसे हम कहते हैं पॉस्टुलेशंस। तो इसको प्रवाकरा इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, कौन, प्रभाकरा।
अगर आप न्याय की बात करें तो न्याय ने इसको रिड्यूस कर दिया इन्फ्रेंस में। न्याय चार ही सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी। और न्याय ने क्या किया, अर्थापति को किस में रिड्यूस कर दिया, इन्फ्रेंस में, कि जो अर्थापति जिससे काम करते हो ना आप, वो सारा काम कौन कर देता है, अनुमान भी वैसे ही काम करता है। तो चलिए इसको देखते हैं अर्थापति है क्या एक्चुअल में। चलिए इसे इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। तो मतलब ये वो नॉलेज है जो पोस्टुलेट करके आता है, इम्प्लाई करके आता है। जैसे आपके पास कोई कुछ फैक्ट है और उसके बेसिस पे आप क्या डिक्लेयर करें, क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, क्या पोस्टुलेट कर रहे हैं, क्लियर। फॉर सो बेसिकली अर्थापति इज द इम्प्लीकेशन ऑफ एन अनपरसीव्ड फैक्ट इन ऑर्डर टू रिकनसाइल टू अपेरेंटली इनकॉन्सिस्टेंट परसीव्ड फैक्ट। मतलब जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप अनपरसीव्ड फैक्ट को इम्प्लाई करते हो कि अगर ये है तो ऐसा हो सकता है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि अलाइव देवदत्ता इज आइदर इन हिज हाउस आर एल्सवेयर। अलाइव कि कोई इंसान जिंदा है, वो जान तो घर पे होगा या बाहर होगा। सो अलाइव देवदत्ता इज नॉट इन हिज हाउस, जो एक जिंदा इंसान है वो आज घर पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं बाहर है। तो क्या आप एज्यूम कर सकते हो, क्या पोस्टुलेट कर सकते हो, क्या इम्प्लाई कर सकते हो कि अगर कोई घर पे नहीं है और वो जिंदा भी है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बाहर होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी, जॉन इज अलाइव एंड जॉन इज नॉट इन हिज होम, कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड अनलेस वी अज्यूम दैट ही इज एल्सवेयर, है ना। अगर कोई जिंदा भी है और वो घर पे भी नहीं है तो आप क्या इम्प्लाई करोगे, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे। अगर आप ये इम्प्लाई नहीं करोगे कि अगर वो जिंदा भी है और घर पे भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो बाहर है, है ना। जैसे कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल दिन को खाना नहीं खाता है बट मोटा हो रहा है, मतलब एक इंसान है वो आपके साथ रहता है पूरा दिन, खाना नहीं खाता आपके सामने बट वो मोटा हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो रात को खाता होगा, है कि नहीं। जैसे फैट देवदत्ता ईट आइदर ड्यूरिंग डे और नाइट, फैट देवदत्ता डज नॉट ईट ड्यूरिंग डेज, आपके सामने वो दिन को रहता है और वो दिन को खाता नहीं है। दैट सिंपली मीन्स देयर फॉर फैट देवदत्ता ईट ड्यूरिंग नाइट, क्लियर। मीमांसा को लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है, बट है क्या, यहाँ पे आप अनुमान ही लगा रहे हो कि अगर कोई जिंदा भी है और वो घर पे भी नहीं है तो इसका मतलब क्या अनुमान लग रहा है, कि वो बाहर होगा। तो न्याय को लगता है कि ये जो है ये काम अनुमान से भी हो जाता है, बट प्रभाकरा को लग रहा है नहीं, ये इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है और वो इसको सेपरेट सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है, इसलिए सिर्फ प्रभाकरा जो है वो ही इसको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, क्लियर। जितने भी स्कूल हमने पीछे डिस्कस किए, सांख्य, योगा, न्याय, विशेषिका, है ना, चार्वाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये कोई भी इसको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता, इसको प्रभाकरा मानते हैं। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस रहेगा अनुपलब्धि, जिसे कहते हैं हम नेगेशन, नॉन अप्रिहेंशन, है ना, नेगेशन, अनुपलब्धि। तो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज किस किसने माना हुआ है, एक तो मीमांसा ने, मीमांसा के कौन से स्कॉलर, प्रभाकरा, तो सिर्फ पांच ही मानते हैं इसको, कौन मानते हैं, सिक्स अनुपलब्धि को, सिक्स कुमारिला और साथ में अद्वैत वेदांत शंकराचार्य। इसके ऊपर फिर से अटैक किया न्याय, इसको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं। अप्रिहेंशन में क्या है, बेसिकली नेगेशन, है ना, कोई चीज अगर नहीं है उसका डायरेक्ट नॉलेज, मतलब आप टेबल पे फोन रख के गए और बाहर से आते हो, आपके टेबल पे फोन नहीं है तो आप क्या देख रहे हो, आपका फोन वहां पे नहीं है, दैट इज नॉन अप्रिहेंशन, ये डायरेक्ट नॉलेज है, इमीडिएट नॉलेज। क्या है ये, इमीडिएट नॉलेज, किसी मतलब इमीडिएट नॉलेज ऑफ द एब्सेंस आर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, कुछ आपने फोन अपना रखा टेबल पे, आप पानी पीने के लिए गए किचन में, आके देखा वहां पे फोन है ही नहीं है। तो मीमांसा और अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग ये क्या है, अनुपलब्धि से पता चलता हमें, ये नॉन अप्रिहेंशन से पता चलता है, ये नेगेशन का नॉलेज है, जब आप किसी चीज की एब्सेंस को डायरेक्टली परसीव करते हो। बट न्याय फिर से इसको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं, न्याय ने क्या किया है, नेगेशन को, नेगेशन क्या होता है, वही चीज जब कोई एबसेंट है, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आपने फोन रखा अब वो फोन टेबल पे नहीं है तो उसका क्या है, वो नेगेशन है, पहले वो था अब वो नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, जो न्याय स्कूल है ये, इवन प्रभाकरा, ये इंडिपेंडेंट ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये मेटाफिजिकल कैटेगरी है, नॉन एग्जिस्टेंस, बट एक सेपरेट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। इसलिए जो सेपरेट कैटेगरी है ना नॉन एग्जिस्टेंस, वो इट इज नोन टू अस बाय इन्फ्रेंस आर परसेप्शन, मतलब कोई चीज अगर नहीं है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा, आइदर थ्रू इन्फ्रेंस आर परसेप्शन। तो मतलब न्याय ने क्या किया, जो अनुपलब्धि है इसको किसमें रिड्यूस कर दिया, आइदर परसेप्शन आर इन्फ्रेंस। अगर हम मीमांसा जो कुमारला हैं उनका अगर लॉजिक देखें तो वो इस तरह से, जिस तरह से स्क्रीन पर आपको लिखा नजर आ रहा है, द क्वेश्चन हियर इज हाउ डू आई नो द नॉन एग्जिस्टेंस से ऑफ ए जॉर ऑन द टेबल बिफोर मी, मतलब
अभी फोन मेरा पड़ा हुआ था, अभी वो फोन नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा उसका? इट कैन नॉट बी सेड दैट आई परसीव इट विद माई सेंसेस बिकॉज नॉन एग्जिस्टेंस इज ए नेगेटिव फैक्ट विच कैन नॉट स्टिमुलेट एनी सेंस एज ए पॉजिटिव फैक्ट लाइक द टेबल कैन, है ना? मतलब जैसे अभी मुझे अभी पेन पड़ा हुआ है तो पेन दिख रहा है ना, फोन नहीं पड़ा, वो उस तरह से परसेप्शन नहीं हो सकती उसकी जिस तरह से पेन की हो रही है। अब मैं नॉन एग्जिस्टेंस को कैसे परसीव करूँ? तो मीमांसा होल्ड दैट देयरफॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द जार ऑन द टेबल इज नाउन फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ इट्स कॉग्निशंस। तो मतलब एक प्रेजेंस होती है किसी चीज़ की होना और एक किसी चीज़ की एब्सेंस। तो ये बोलते जो प्रेजेंस होती है किसी चीज़ की उसे हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। जब किसी चीज़ की जो कॉग्निशन है, जो आइडिया है, जो नॉलेज है, अगर वो किसी चीज़ की एब्सेंस का है तो आप उसको परसेप्शन नहीं कह सकते। उन्होंने उसको नया नाम दे दिया, अनुपलब्धि, दैट इज फ्रॉम इट्स नॉन परसेप्शन। क्लियर? आपने किसी चीज की प्रेजेंस को परसीव नहीं किया, आपने क्या की? परसीव उसकी एब्सेंस। मतलब परसेप्शन किसको बोलते हो आप? जब किसी चीज की प्रेजेंस को परसीव करते हो आप। फोन टेबल पे पड़ा हुआ, आपने देखा, फोन आपको दिख रहा है। अब अनुपलब्धि क्या है? नॉन अप्रीकेंशन क्या है? जब आप किसी चीज के नॉन एग्जिस्टेंस को परसीव कर रहे हो तो बेसिकली अनुपलब्धि क्या है? द परसेप्शन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस है। वो परसेप्शन ही है, बट वो क्या है? डिफरेंट है परसेप्शन से। इट इज अ परसेप्शन ऑफ एब्सेंस। Is that the jar does not exist on the table because it is not perceived. So this is how Anuplabdhi is explained or accepted by Mimamsa and Vedanta. So basically जो आज हमने देखा ये क्या थे? Six source of knowledge accepted by different schools of Indian philosophy. Perception देखा, inference देखा, comparison देखा, testimony देखा, application देखा and Anuplabdhi देखा, non-apprehension. Thanks for watching.